फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जबशंकर में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ वो है इंडियन आर्मी की तरफ से। तो फ्रेंड्स, इंडियन आर्मी में वेस्टर्न कमांड मिलिट्री हॉस्पिटल जलंधर कैंट से भर्ती निकल के आया है, उसका ऑफलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करते है आज मैं इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा। वीडियो आप पूरा देखते जाइए, शुरू से लास्ट तक देखते जाइए, आपको समझ में आ जाएगा पूरी अच्छी तरह से। तो फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं इंडियन आर्मी का ऑफिशियल वेबसाइट रहने वाला, आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हो फ्रेंड्स, और ये हमारा जबशंकर ऑफिशियल वेबसाइट देख रहे हो फ्रेंड्स। यहाँ पे नीचे जाना, लेटेस्ट जॉब में दे दिए गए, आप देख रहे हो हेडक्वार्टर वेस्टर्न कमांड जलंधर कैंट्स ग्रुप से रिक्रूटमेंट 2022। इस पे आप क्लिक कर दीजिए, क्लिक करने के बाद आपके सामने डिटेल्स खुल जाएगा। ये आप देख रहे हो आपके सामने डिटेल्स खुल गया, 6 मई 2022 को अपडेट किया गया हमारे ऑफिशियल वेबसाइट में, जॉबसंग ऑफिशियल वेबसाइट में, ठीक है। हेडक्वार्टर वेस्टर्न कमांड मिलिट्री हॉस्पिटल जलंधर कैंट से भर्ती निकल के आ रहा है, ठीक है। 5 मई 2022 अपडेट किया है। आप पोस्ट नेम देख रहे हो, बार बार चौकीदार, कुक, स्टैटिकल असिस्टेंट, ट्रेडमैन, मेट, वाशरमैन एंड सफाई वाली का भर्ती रहने वाला, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्टर डिफेंस से भर्ती निकल के आ रहा है, हेडक्वार्टर वेस्टर्न कमांड से मिलिट्री हॉस्पिटल जलंधर कैंट से भर्ती आ रहा है, ग्रुप सी का भर्ती रहने वाला है। इम्पोर्टेंट डेट्स देख रहे फ्रेंड्स, एप्लीकेशन स्टार्ट 14 मई 2022 से इसका ऑफलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट रहने वाला 27 जून 2022, ठीक है फ्रेंड्स। इम्प्लॉयमेंट न्यूज पेपर पब्लिश हो चुका है जो कि आप देख रहे हो, 14 से 20 मई 2022 का इम्प्लॉयमेंट न्यूज पेपर रहने वाला है। अप्लाई आपको ऑफलाइन फॉर्म ही करना पड़ेगा। एप्लीकेशन फी देख रहे हो, फॉर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के ₹100 का पोस्टल ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट आपको देना पड़ेगा डीडी, ठीक है। फॉर एससी एसटी के लिए फीस नहीं लगेगा, नील है देख रहे हो। इन फेवर ऑफ कमांडेंट्स एमएच जलंधर कैंट के नाम से आपको कटवा लेना है, ठीक है। आईपीओ या डिमांड ड्राफ्ट पे स्केल देख रहे फ्रेंड्स, फॉर ट्रेडमैन मेट्स बार चौकीदार वाशरमैन सफाई वाली के लिए लेवल 1 में आ रहा है, ₹18,000 से लेकर 56,900 आपको पे मिलेगा, ठीक है। फॉर कुक में देख रहे लेवल 2 में आ रहा है, फॉर स्टैटिक सिस्टम देख रहे हो लेवल 5 में आ रहा है, ठीक है। एज लिमिट देख रहे हो, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 25 साल, एज रिलेक्शन आपको छूट मिलेगा। वैकेंसी डिटेल्स, टोटल पोस्ट में 65 पोस्ट निकल के आ रहा है, ठीक है। पोस्ट नेम देख रहे हो, ट्रेडमैन मेट में जनरल में 5 पोस्ट दिया गया, एससी में 1 पोस्ट दिया गया, एसटी में 1 पोस्ट दिया गया, ईडब्ल्यूएस में 1 पोस्ट दिया गया और एक सर्विसमैन में 1 पोस्ट दिया, टोटल इसमें 8 पोस्ट ही रहने वाला है। बार बार में देख रहा है, जनरल में 2 पोस्ट दिया गया और एक सर्विस में 1 पोस्ट दिया गया, टोटल इसमें 2 पोस्ट ही रहने वाला है, ठीक है। चौकीदार में देख रहे हो, जनरल में 8 पोस्ट दिया गया, एससी में 1 पोस्ट दिया गया, ईडब्ल्यूएस में 2 पोस्ट दिया गया, एक सर्विस में 1 पोस्ट दिया गया, टोटल इसमें 11 पोस्ट ही रहने वाला है। मैं देख रहा हूँ, जनरल में 2 पोस्ट दिया गया, ओबीसी में 1 पोस्ट दिया गया, ईडब्ल्यूएस में 1 पोस्ट दिया गया, एक सर्विस में 1 पोस्ट दिया, टोटल इसमें 4 पोस्ट रहने वाला है। स्टैटिकल असिस्टेंट में देख रहे हो फ्रेंड्स, जनरल में 1 पोस्ट दिया गया, टोटल 1 ही पोस्ट रहने वाला है, ठीक है। वाशरमैन में देख रहे हो, जनरल में 9 पोस्ट दिया गया, ओबीसी में 1 पोस्ट दिया गया, एसटी में 1 पोस्ट दिया गया, ईडब्ल्यूएस में 1 पोस्ट दिया गया, एक सर्विस में 1 पोस्ट दिया, टोटल इसमें 12 पोस्ट ही रहने वाला है। सफाई वाली में देख रहे फ्रेंड, जनरल में 15 पोस्ट दिया गया, ओबीसी में 4 पोस्ट दिया गया, एससी में 4 पोस्ट दिया गया, ईडब्ल्यूएस में 4 पोस्ट दिया गया, एक सर्विस में नहीं है, टोटल इसमें 27 पोस्ट रहने वाला है, ठीक है फ्रेंड्स। तो टोटल मिला के ओवरऑल आप देख रहे हो 65 पोस्ट रहने वाला है। एलिजिबिलिटी डिटेल्स देख रहे फ्रेंड्स, ट्रेडिशनल मेट में 8 पोस्ट दिया गया, मैट्रिक पास चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। बार बार में देख रहे 2 पोस्ट दिया, मैट्रिक पास चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। चौकीदार में देख रहे 11 पोस्ट दिया, मैट्रिक पास चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। कुक में देख रहे 4 पोस्ट दिया गया, मैट्रिक पास चाहिए और आपका नॉलेज होना चाहिए खाना बनाने का। वॉशरमैन में देख रहे 12 पोस्ट दिया, मैट्रिक पास चाहिए और मिलिट्री सिविलियन का कपड़ा धोना पड़ेगा। सफाई वाली में देख रहे इसमें 27 पोस्ट टोटल दिया गया, मैट्रिक पास चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। स्टैटिकल असिस्टेंट में देख रहे फ्रेंड्स, 1 पोस्ट दिया गया, टोटल इसमें डिग्री चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। डॉक्यूमेंट रिक्वायर आप देख रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट आपको लगने वाला है। 2 आपको एडिशनल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देना पड़ेगा, एजुकेशन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, बर्थ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, आधार कार्ड देना पड़ेगा, डोमेसाइल या पीआरसी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, पीपीओ डिस्चार्ज बुक देना पड़ेगा, एक सर्विस वालों के लिए, ठीक है सिर्फ, और एक आपको सेल्फ अटेस्ट एनवेलप देना पड़ेगा सारे को, ₹25 पोस्ट सिस्टम लगा के, ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट आपको सेल्फ अटेस्ट करके भेजना पड़ेगा। एप्लीकेशन शुड बी फॉरवर्ड इस एड्रेस में टू कमांडर्स मिलिट्री हॉस्पिटल जलंधर कैंट, पिन 14005 पे आपको भेज देना है, रजिस्ट्री स्पीड पोस्ट के थ्रू, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट टॉप में लिखना पड़ेगा और कैटेगरी भी लिख दीजिएगा, ठीक है। इंपोर्टेंट लिंक्स देखे, डेट ऑफ पब्लिश 5/5/2022 को अपडेट किया गया है। अप्लाई आपको ऑफलाइन फॉर्म ही करना होगा, यहाँ से क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड नोटिफिकेशन हमारे पास आ चुका है, 2 है, एक शॉर्ट नोटिस है, एक फुल नोटिस मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। दोनों आप डाउनलोड कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इंडियन आर्मी का ऑफिशियल वेबसाइट आने वाला, आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हो। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहते हो तो यहाँ से क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हो तो यहाँ से क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हो। अगर आप हमारे सिग्नल ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हो तो यहाँ से क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हो। तो फ्रेंड्स, का लास्ट डेट रहने वाला 27 जून 2022, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, का ऑफिशियल नोटिफिकेशन की और आपको लेके चलता है। ये आप देख रहे हो, सबसे पहले शॉर्ट नोटिस रहने वाला है, ठीक है। ये आपका 2 पेज का नोटिफिकेशन है, शॉर्ट नोटिस, यहाँ से डिटेल में दे दीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है।
और मैं आपको अभी फुल दिखा रहा हूँ, फुल नोटिफिकेशन ये आप देख रहे हो, फुल नोटिफिकेशन रहने वाला जो कि ये 3 पेज का नोटिफिकेशन, ठीक है। अच्छे से पढ़ लीजिए, सारा डिटेल यहाँ पे आपको दे दिया गया है, आप पढ़ सकते हो। एग्जाम पैटर्न सारे सिलेबस सब दे दिया गया, ठीक है। और उसके बाद फ्रेंड्स मेन है एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। ये जो देख रहे ना एप्लीकेशन फॉर्म फ्रेंड्स, मुझे बहुत कॉल आ रहा था कि इसके ऊपर मुझे वीडियो बनाई है, ठीक है, कि ऑफलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करते हैं। तो मैं आपको वीडियो में लेके आ रहा हूँ, ये आप देख रहे हो ऑफलाइन फॉर्म रहने वाला, हमारे पास ओरिजिनल आ चुका है, ये आप देख रहे हो एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाला, ठीक है। ये आपका 2 पेज का फॉर्म है, आप अच्छे से देख लीजिएगा। और फ्रेंड्स आप लोग जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो फ्रेंड्स वो देख लीजिएगा, वो सही है भी या गलती भी है, ठीक है, अच्छे से एक बार चेक कर लीजिए। क्योंकि मुझे नजर आ रहा है कि बहुत सारे गलती फॉर्म फिलअप करके आपको भेज रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर्म में आपको गलत मिल रहा है इसलिए आप भेज रहे हो, ठीक है। तो फॉर्म आप अच्छे से देख लीजिए, कौन से फॉर्म अच्छा है, कौन सा फॉर्म गलती है, वो आप देख लीजिए अच्छी तरह से। जैसे कि ये फॉर्म रहने वाला, ठीक है, बहुत लोगों का क्या हो गया फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हो ये सिग्नेचर और कैंडिडेट दिया गया नहीं, ये छूट गया, ठीक है। तो ये आप अच्छे से देख लीजिएगा कि इसका वजह से कॉल भी रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट इसमें पूरा क्लियर ही दिया गया है और ये हमारे पास ओरिजिनल आ चुका है, ठीक है। और अच्छे से देख लीजिएगा, ये एक पेज है और एक नीचे वाला है, अच्छे से यहाँ पे दे दिया गया डिटेल्स में। बहुत मैं देख रहा हूँ ये पोस्टल ऑर्डर ये लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, ये ब्लैंक है। तो ये ओरिजिनल फॉर्म का पहचान है फ्रेंड्स, बाकी आपको मर्जी है, आप जैसे फिलअप करके भेजना चाहते हो तो भेज सकते हो। तो ये 2 पेज का फॉर्म है, अभी कैसे फिलअप करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये आप देख रहे हो, सबसे पहले आपको दोनों पेज प्रिंट आउट करवा लेना है, ठीक है, जो फॉर्म दिया गया ऑफिशियल फॉर्म उसे आपको प्रिंट आउट करवा लेना है और बॉल ब्लू पेन से फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है। मैं ट्रेड्समैन मेट के लिए फॉर्म फिलअप करके बता रहा हूँ, आप देख लीजिए, अलग आप जिस स्टेट में अप्लाई करोगे वो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लिख दीजिएगा, मैं ट्रेड मेट के लिए अप्लाई करा, ट्रेड मेट लिख दिया, रेफर एम्प्लॉयमेंट न्यूज देख रहे हो पेपर, तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज पेपर पब्लिश हो चुका है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज लिख दीजिए। एडवर्टाइजमेंट नंबर देख रहे हो EN7/52, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं आपका एक बार एम्प्लॉयमेंट पेपर की ओर आपको लेके चलता हूँ। तो ये आप देख रहे हो फ्रेंड्स एम्प्लॉयमेंट पेपर रहने वाला, आप देख रहे हो 14 से 20 मई 2022 का एम्प्लॉयमेंट पेपर रहने वाला, इसमें पेज नंबर 26 पे आ जाना, यहाँ पे दे दिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये आप देख रहे हो पेज नंबर 26, 14 से 20 मई 2022 का एम्प्लॉयमेंट पेपर रहने वाला, ये आप देख रहे हो हेडक्वार्टर वेस्टर्न कमांड MH जलंधर कैंट से भर्ती निकल के आ रहा है फ्रेंड्स। इसमें नीचे आ जाना, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट न्यूज का नंबर दे दिया गया है, मैं आपको डिटेल्स में दिखा दे रहा हूँ, ये आप देख रहे हो, ये आप देख रहे हैं एम्प्लॉयमेंट न्यूज EN7/52, ठीक है। ये एम्प्लॉयमेंट पेपर रहने वाला है, इसका नंबर रहने वाला है, ये आपको लिख देना है, जैसे कि मैंने लिख दिया EN7/52। डेट 14 मई 2022 का एम्प्लॉयमेंट पेपर आ चुका है, ये आप देख रहे हो, ये आप देख रहे हो 14 मई 2022 का एम्प्लॉयमेंट पेपर आ चुका है, ये आपको ये लिख देना, ठीक है। तो ये हो गया, आप नीचे आ जाना, एक आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ यहाँ पे लगा देना है, आधा फोटो पे होना चाहिए, आधा नीचे पे आपको सेल्फ अटेस्ट लिखना पड़ेगा, और आपका नाम आधा फोटो पे आधा फोटो के नीचे लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद डेट जिस डेट को अप्लाई कर वो डेट लिख दीजिएगा। तो फ्रेंड फोटो अच्छा से लगाइएगा, क्योंकि मैं ब्लैक फोटो है, नीचे में इसका शर्ट है, इसलिए क्लियर नहीं आ रहा है, तो आप लोग क्लियर ही मेंशन करके भेजिएगा, ठीक है। मैं आपको डेमो के लिए से बता रहा हूँ, एक नंबर आपका फुल नाम लिखना पड़ेगा, वो भी हिंदी में मैं लिख दिया हूँ, आप देख रहे हो, इन इंग्लिश में आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे दे दिया है, देख रहे हो। 2 नंबर का फादर्स नेम लिखना पड़ेगा ब्लॉक लेटर में, ये आप देख रहे हो मैं लिख दिया हूँ, अगर फादर्स नहीं आपका हस्बैंड है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। और फ्रेंड्स 2 नंबर मदर्स नेम मेरा छूट गया, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, ठीक है, ये मेरा यहाँ पे छूट चुका है, आप अपना मदर्स नेम लिख दीजिएगा। और 3 नंबर देख रहे हो डेट ऑफ बर्थ आपको लिखना पड़ेगा, मैं अपना डेट ऑफ बर्थ लिख दिया हूँ। 4 नंबर देश निकाल लेना, कब तक का, लास्ट डेट तक का, लास्ट डेट तक कब है फ्रेंड्स मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ, ये आप देख रहे हो लास्ट डेट 27 जून 2022 है इसका लास्ट डेट, तो इतना तक आपको एज निकाल लेना है। मेरा हो रहा है देख रहे हो 21 साल 3 महीना 22 दिन लिख दिया हूँ, कैटेगरी में जनरल से अप्लाई करो तो जनरल लिख दिया हूँ, 6 नंबर नेशनलिटी लिखना पड़ेगा, और बी में देख रहे हो रिलीजन लिखना पड़ेगा, रिलीजन आपका धर्म, ठीक है, वो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। 7 नंबर में ए में आपको कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस लिखना पड़ेगा, मैं अपना लिख दिया हूँ, पोस्ट ऑफिस तहसील पुलिस स्टेशन डिस्ट्रिक्ट स्टेट पिन कोड और मोबाइल नंबर के साथ मेंशन करना पड़ेगा, सेम आपको परमानेंट भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा आप डिटेल्स। और सी में देख रहे ईमेल आईडी आपको लिखना पड़ेगा, मैं अपना ईमेल आईडी लिख दिया हूँ। 8 नंबर देख रहे एकेडमी डिटेल्स आपको देना पड़ेगा, मैं 10 से अप्लाई करा 10 लिख दिया, ईयर ऑफ पासिंग 2018 पास के लिख दिया, सीबीएसई बोर्ड मेरा रहने वाला लिख दिया, आपका जो बोर्ड है यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा, परसेंटेज मेरा 86% लिख दिया, फर्स्ट डिवीजन आ रहा, ठीक है, वो मेंशन कर दिया। 9 नंबर देख रहे फ्रेंड्स एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर जिसमें मांगा गया वो आपको देना पड़ेगा, तो मेरा 1 साल का एक्सपीरियंस है, मैं यहाँ पे दे दिया, ठीक है। 10 नंबर अगर आप गवर्नमेंट सर्विस हैं तो यस कर दिया, नहीं तो आप नो लिख दीजिए, यस करके आप दे सकते हो डिटेल्स, आप लिख सकते पे स्केल कितना रहने वाला, पोस्टल कौन सा पोस्टल, और यहाँ पे सिग्नेचर कर दीजिए, सिग्नेचर कैंडिडेट यहाँ पे लिखा है, इसके ऊपर आपको सिग्नेचर करना पड़ेगा, ठीक है। डिक्लेरेशन आप पढ़ लीजिए, 1, 2, 3 नंबर अच्छे से दिया गया, सिग्नेचर और कैंडिडेट यहाँ पे सिग्नेचर करना पड़ेगा, नीचे आपका देख रहे नेम फुल नेम आपको कैपिटल लेटर में लिखना पड़ेगा, और इनक्लोज आप देख रहे 3 आपको सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ देना पड़ेगा, मतलब 2 आपको एक्स्ट्रा, 1 आपको फोटो लगा के, ठीक है, फॉर्म में ये
ये तीन आपको देना पड़ेगा। दोनों में पोस्टल ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट देना पड़ेगा। इन फेवर ऑफ देखो ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे, पोस्टल ऑर्डर मैं दे रहा हूँ तो पोस्टल ऑर्डर का नंबर मैं यहाँ पे मेंशन कर दिया 57H में आपको दिखा देना। आईपीओ ये आप देख रहे हो इंडियन पोस्टल ऑर्डर, मतलब इसे आईपीओ बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है। पे टू किसे करे, कमांडर MS जालंधर कैंट, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे दे दिया गया है कमांडर्स, यहाँ पे दिया गया कमांडर MS जालंधर कैंट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये आपको यहाँ पे लिख देना है। मैं यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको नाम आपका जो एड्रेस हुआ यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक है। एड्रेस मेंशन करने के बाद फ्रेंड्स एट द पोस्ट ऑफिस एट ये आपको छोड़ देना है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आर्मी वाला आईपीओ लेके जाएगा, ठीक है। ये भी तो पोस्ट ऑफिस में जमा करे उसके बाद ना उन्हें पैसा मिलेगा 100 रुपीज, तो कौन सा पोस्ट ऑफिस में देगा तो आपको तो पता नहीं है ना, इसलिए आपको ये ब्लैंक छोड़ देना है, ठीक है। आर्मी का अलग पोस्ट ऑफिसर रहता है तो इसलिए आपको पता नहीं है तो इसे आपको ब्लैंक छोड़ देना है। इसलिए यहाँ पे उन लोग अपना फिलअप करके अपना 100 रुपीज अपना ले लेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको सलाह दे रहा हूँ ये छोड़ दीजिएगा। और उसके बाद ये जो 57H 5186 00 यहाँ पे दिया है पोस्टल ऑर्डर नंबर रहने वाला है, मैं लिख दिया, देख रहे हो 57H 5186 00 पोस्टल ऑर्डर, ये नंबर आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। और ये आपको ओरिजिनल भेजना पड़ेगा, ये नहीं कि आपको जेरस करके भेजना पड़ेगा, ये आपको ओरिजिनल भेजना पड़ेगा। और इसके आधार जो था वो मैं फाड़ के फेंक दिया, ठीक है। यही आपको सिर्फ भेजना पड़ेगा और ये एप्लीकेशन के फ्रंट टॉप में आपको ये स्टेपलर लगा के आपको भेजना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया और मैं 100 रुपीज का दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो आप आईपीओ में 100 रुपीज यहाँ पे लिखा हुआ है, देख रहे हो। तो अगर आपको पास 100 रुपीज नहीं मिल रहा है तो 50 का 2 लगा सकते हो, 50 का भी नहीं मिल रहा है तो आप 25 का या 20 का या 10 का भी आप मेंशन कर सकते हो, 100 रुपीज जैसे भी होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो इसका आईपीओ नंबर होगा ना, तो आईपीओ नंबर आप मेंशन कर दीजिए, जैसे कि यहाँ पे एक लिख दिया, एक नीचे लिख दिया, एक साइड में लिख दिया, ऐसे करके आप लिख सकती हो। जगह नहीं रहेगा तो आप मान लीजिए 10-10 का दे रहे हो तो आप यहाँ पे मेंशन कर देना पोस्टल ऑर्डर नंबर, ठीक है। यहाँ पे मेंशन कर यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद थंब इंप्रेशन लगाना पड़ेगा, जैसे कि आप देख रहे हो मेल है तो उसके लिए लेफ्ट थंब इंप्रेशन लगेगा, फीमेल है उनके लिए राइट थंब इंप्रेशन लगाना पड़ेगा, ठीक है। सिग्नेचर कर देना आपका, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट यहाँ पे लिखा गया, सिग्नेचर कर देना। उसका नेम आपको कैपिटल लेटर में लिखना पड़ेगा, ठीक है, लिख दिया हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स ये फॉर्म फिलअप हो गया, कैसे फिलअप करते मैं आपको बता चुका हूँ। और इसके बाद फ्रंट एनवेलप देख रहे हैं, ये फ्रंट एनवेलप रहने वाला है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लिख देना, कैटेगरी में लिख दिया, स्पीड पोस्ट के थ्रू में भेजना लिख दिया, टू कमांडर्स मिलिट्री हॉस्पिटल जालंधर कैंट पिन 144005 पे आपको भेज देना है, ठीक है। और इसके बाद मैं बैक का एनवेलप दिखा रहा हूं, देखो बैक एनवेलप रहने वाला है। टू आपका नाम, फादर्स नेम, एड्रेस, सारा डिटेल यहाँ पे लगा दीजिएगा और 25 रुपया पोस्टल स्टाम्प आपको लगा के भेजना पड़ेगा मोबाइल नंबर के साथ में, ठीक है। ये आपको कॉलेटर आएगा इसी में। और उसके बाद फ्रेंड्स एम्प्लॉयमेंट पेपर आ चुका है, पब्लिश हो चुका है, आप टेंशन मत लीजिए, अप्लाई कीजिए बिंदास, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हमारा matrikbharti.com न्यू वेबसाइट विजिट करिए, सारा अपडेट आपको यहाँ पे मिलते रहेगा अभी सबसे पहले, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसके रिगार्डिंग आपको कुछ भी पूछना तो हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। तो फ्रेंड आशा करता है वीडियो आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। तो फ्रेंड हमारे पास जो भी मिला 100% रियली भर्ती की जानकारी मिलेगा अभी सबसे पहले। तो फ्रेंड्स जो फॉर्म दिया गया उसे आप प्रिंट आउट करके अप्लाई कीजिए, ठीक है। तो ओके फ्रेंड्स बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।